आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में दो जिलों में पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है। दुर्भाग्य से दोनों पुलिस कर्मियों का निधन हो गया है। दोनों पुलिसकर्मी अब इस दुनिया में नहीं है। एक छिंदवाड़ा में घटना घटी और दूसरी घटना छिंदवाड़ा से सटे सिवनी जिले में घटित हुई। सिवनी जिले में एक प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर, उनके ऊपर एक आरोपी के द्वारा गोली चला दी गई। वे अस्पताल लेकर उन्हें पहुंची, पुलिस के कर्मचारी पहुंचे और यहां देखिए स्ट्रेचर पर लेटे हुए दिख रहे हैं। दरअसल चोरी के एक आरोप में चार आरोपियों की गिरफ्तारी होनी थी। इसमें चार आरोपियों में जनक सिंह खैरी महगांव, ये भिंड के निवासी हैं, और दूसरे मंडला में नैनपुर के निवासी प्रद्युम वैष्णव, एक गुलाब गुलशन वैष्णव, ये भी नैनपुर के निवासी हैं, और चौथा आरोपी सद्दाम मुसलमान जो गोहद भिंड का निवासी है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये गोहद भिंड का निवासी बताया जा रहा है। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये जो आरोपी है, इसकी एक ये फोटो सिवनी शहर में किसी दुकान में उसके द्वारा खरीदारी की गई। हाथ में कलावा बांधे हुए सद्दाम मुसलमान आपको दिख रहा होगा। ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। ये पुलिस अधीक्षक सिवनी का क्या कहना है इस पूरे मामले में, हम आपको इसको सुनवाते हैं। मामला है कि अब कुछ अपराधी हैं जिनको, जो हमारे कुछ अपराधों में सस्पेक्ट थे, इनकी लोकेशन अचानक हमको करीब 10 बजे के आसपास छिंदवाड़ा बाईपास पे मिली थी। तो हमें पकड़ने के लिए हमारी टीम गई थी और टीम ने जैसे तीन आरोपी को पकड़ा, चौथा आरोपी भी था जिसने अपने आरोपियों को साथियों को बचाने के लिए उन पर गोली चला दी। इस पर कर्मचारी को गोली लगी है, किसी इलाज के लिए भी ना कर नहीं नहीं फरार नहीं है, जो कि जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिसने गोली मारी है सर, वो मौके से फरार हो गया, क्योंकि पुलिस को अपने साथी की जान भी बचाना था और जो आरोपी जिन आरोपी को पकड़ लिया था उनको भी जो है छोड़ना नहीं था, इसलिए हमने उसका हम पीछा नहीं कर रहा। हालत अभी डॉक्टर के अनुसार तो ठीक है, यहाँ से स्टेबल करके उन्होंने भेजा है और वहाँ पे बेहतर इलाज हुआ ना। बस कई मामले हैं, एक आरोपी जो सस्पेक्ट जो भागा है वो भिंड का रहने वाला है और एक सस्पेक्ट जो पकड़ा गया वो भी भिंड का रहने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घूम घूम के अपराध करने वाले गंभीर किस्म के आरोपी हैं, कई वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक सिवनी के द्वारा रात के समय जब जानकारी दी गई, रात के समय जो बात बताई गई वो हमने पूरी बात बताई है। प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर, इनका जीवित अवस्था का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय थे पुलिस विभाग में और लोगों की मदद के लिए सदा तत्पर रहते थे, हैप्पी टू हेल्प इन्हें कहा जाता था, और विभागीय कार्यों में बढ़ चढ़ कर पूरी ईमानदारी के साथ इनके द्वारा विभागीय कार्य किए जाते थे। पुलिस महकमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। शुक्रवार 19 जनवरी को सुबह जैसे ही ये बात लोगों को पता लगी, वैसे रात में पुलिसकर्मियों को ये बात पता लग गई थी और रात भर पुलिसकर्मी सख्ते में ही रहे। सिवनी में सन्नाटा पसरा रहा 17 तारीख को। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी सुबह से सिवनी पहुंचना आरंभ हो गए। डीआईजी, आईजी, जो एडीजी भी हैं वे भी सिवनी पहुंचे। इस ये जो घटना स्थल बताया जा रहा है, घटना स्थल लखनवाड़ा थाना में बैनगंगा नदी और बमहोली के बीच का घटना स्थल बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, कैसा है, पुलिस अधीक्षक सिवनी के द्वारा इस मामले में जानकारी दी गई। वैसे सिवनी में मंडला जिले से आकर जुआ खिलाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जैसा पुलिस सूत्रों का कहना और जैसी चर्चाएं हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक सिवनी का इस पूरे मामले में क्या कहना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चला हुआ, इस पूरा घटना का विवरण निम्नानुसार है। क्या हुआ कि एक चोरी की घटना घटित हुई
डोडा सिवनी थाना क्षेत्र में 11-12 की दरमियानी रात महाराणा प्रताप नगर वार्ड में, और उस घटना का के संबंध में जब जांच की गई, जो हमारे हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर थे, इस तरह के मामलों में काफ़ी मेहनत से काम करते थे, पहले भी बड़ी गंभीर घटनाओं में चोरी की घटनाओं का, ATM वगैरह की चोरी की घटनाओं का खुलासा किया था, ये काफ़ी एक्टिव थे और इन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इन्होंने जानकारी प्राप्त की। एक ऐसी गैंग संज्ञान में आई जो भिंड, जिसमें मुख्य आरोपित भिंड के हैं, और वो जो है अलग अलग जिलों में वाहनों से जाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी इसके इस तरह के अपराधी के पीछे पड़े हुए थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। कल रात में अचानक 9:30 बजे के करीब इनकी लोकेशन यहाँ क्लियर हुई कि ये जो है छिंदवाड़ा रोड पर बाईपास पे इनकी लोकेशन है, तो इन्होंने अपने थाना प्रभारी को बताया और खुद भी अपनी टीम लेके निकले और थाना प्रभारी अलग टीम लेके निकले और लखनवाड़ा में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग लगाने के बाद जो है आरोपीगण जो है देखे कि आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ पुलिस खड़ी है, तो वहाँ से वापस जो है यहाँ से क्रॉस किए, क्या कहते हैं, बैन गंगा पुल क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने पुलिस की गतिविधि चेक करने के लिए एक आरोपी बाथरूम करने के लिए उतरा उसमें से एक व्यक्ति। उसके बाद से पुलिस की पार्टी पहुंची जिसमें हमारे राकेश ठाकुर भी थे, और इन्होंने आरोपियों को कब्जे में लेना शुरू किया। एक आरोपी से हमको मौके पर ही एक रिवाल्वर जब्त हुई जिसके पास, और साथ में 20-25 राउंड भी जब्त हुए, और एक अन्य आरोपी जो कुछ दूर था तो ये समझ नहीं पाया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये लोग शिविर में गए थे, क्योंकि अपराधियों को जो हमारी क्राइम की टीम पकड़ती है तो अमूमन जो है शिविर में जाती है ताकि अपराधियों को पकड़ने में थोड़ी आसानी रहे, अपराधी पुलिस की वर्दी देखकर भाग न जाए। ये पास में आया, जैसे ही जो है हुआ पहुँचा ये, अब तो इसने अचानक पुलिस को देखा और देखा कि उसके साथियों को पुलिस पकड़ी हुई, उनको छुड़ाने की नीयत से, अपने साथियों को बचाने की नीयत से इसने अचानक से गोली चला दी, और गोली लगते ही उनके ऐसी जगहों पे लग गई, हालांकि उस समय जो है इससे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गोली लगने के बाद इन्होंने तीनों आरोपियों को कब्जे, तो वो तो आरोपी मुख्य आरोपी भाग गया एक जिसने गोली चलाई, बाकी ये जो उसके तीन साथी थे इनको पुलिस ने अपने कब्जे में किया और अपने साथी को भी लिया और इनको भी नहीं छोड़ा। ये मौके पर इन्होंने अपने कर्तव्य का भी पालन किया, अपने कर्मचारी की जान बचाने की कोशिश की, और घटना की जैसे जानकारी लगी वैसे ही उसके लगभग 4 से 5 मिनट के भीतर ये अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के लिए जैसे ही रवाना हुए वैसे ही मुझे भी खबर किया इन्होंने, हमने खबर पहुँचाते ही सभी अपने अधिकारियों को भेजा, और थाना प्रभारी जो कि रास्ते में ही थे उनसे पहले पहुँच गया और वहाँ डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट किया, कलेक्टर साहब से बात हुई, सारे डॉक्टर पहुँचे और इनको तत्काल अपने रिफर कराया वहाँ के लिए, नागपुर के लिए। लेकिन नागपुर में इलाज के दौरान चूँकि वाइटल पार्ट में चोट लगी थी तो अटैक टाइप का आया उनको, लेकिन डॉक्टर रिकवर करने का प्रयास करते रहे, 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार डॉक्टरों ने संघर्ष किया, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया और डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन दुखद रहा कि हम इनको बचा नहीं पाए, और हमें साहसी कर्मचारी को जो कि तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा करते रहे हैं, ये घटना का के आरोपियों को पकड़ने में अपनी जान गंवा बैठे, और उन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत दुखद है कि हमने एक कर्मचारी गंवाया और एक परिवार ने अपने घर का एक सदस्य गंवाया, ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने मौके पर भी साहस का परिचय दिया और काफ़ी मेहनत से ये काम किया। जैसे ही PM हो के डेड बॉडी आएगी वैसे ही हम राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार। सर, इसको क्या शहीद का दर्जा दिया जाकर सलामी दी जाएगी? बिल्कुल सलामी की पूरी कार्रवाई की जाएगी और ससम्मान सब कुछ किया जाएगा, जो भी बेहतर से बेहतर जो शासन की मंशा के अनुसार हम पूरी की पूरी सम्मान ससम्मान विदाई करेंगे। हमारे IG सर और DIG सर भी आ रहे हैं, निसंदेह जो है घटना ये भी दर्शाती है कि हम आम जनता के हित के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमारा एक एक कर्मचारी तैयार है और हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते रहे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, उनसे क्या क्या जब्ती हुई? 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे और चीज़ें जब्त होंगी, तो मौके से एक तलाशी के बाद एक रिवाल्वर जब्त हुई है और उनके खिलाफ 307 का अपराध कायम हुआ, जैसे वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई 302 का इजाफा करेंगे
और 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया हुआ है। 1 आरोपी की तलाश के लिए सभी संबंधित जिलों से और आसपास के जिलों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। आरोपी का लोकेशन अभी हमें ट्रेसिंग हो रहा है, उसमें प्रयास कर रहे हैं। सर, आरोपियों को पकड़ने कितनी पुलिस कर्मी है? सभी जिलों की पुलिस लगी है। रात में नैनपुर में दबिश चलती रही, छिंदवाड़ा दबिश चलती रही, जबलपुर SP साहब भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हैं। भिंड और मुरैना के अभी पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है और क्राइम ब्रांच की टीमें पूरी लगी हुई सभी जिलों की, और इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी जो बचा हुआ है उसको हम पकड़ सकें। सर, कल पुलिस टीम में कितने लोग गए थे जब कार्रवाई करने? पुलिस की टीम में कुल 10-12 लोग थे, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में थे। जी जी। लेकिन जो मौके पर इन लोगों को जो कवर की उसमें 4 लोग थे, 2 सिपाही थे, 2 हवलदार थे, और बाकी जो है अलग से थाना प्रभारी के साथ भी टीम थी और भी लोग थे, क्योंकि और एक ऑलरेडी लखनवाड़ा में भी एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। तो हमारे पास पुष्टिकृत सूचना थी कि इस आरोपी निकलने वाले हैं और आरोपियों को कैसे भी करके हमें पकड़ना है। तो चूंकि सारी चेकिंग व्यवस्था हमारी दुरुस्त थी, इसलिए वहाँ से वो पलट के आए थे। इस कारण से जो है ये बमोड़ी के बमोड़ी और बेनगंगा और बमोड़ी के आसपास हुआ। आपने सुना पुलिस अधीक्षक सिवनी का क्या कहना था। रात का हम आपको दिखा रहे हैं, रात का ये नज़ारा है जिला चिकित्सालय सिवनी का। जिला चिकित्सालय में पुलिस महकमा पहुंच चुका है। बहुत सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं कि कितने लोग सद्दाम और बाकी 3 आरोपियों को पकड़ने गए थे। अलग अलग टीम लगी हुई थी, जैसा पुलिस अधीक्षक ने अभी बताया कि अलग अलग टीम लगी हुई थी। अगर टीम लगी हुई थी, लखनवाड़ा थाना से घटना स्थल महज आधा किलोमीटर दूर है, और अगर दोनों तरफ पुलिस पार्टीज लगी हुई थी और एक पुलिस पार्टी की साथ मुठभेड़ हुई और इस तरीके की घटना घटी, तो बाकी पुलिस पार्टियों ने उस सद्दाम को गिरफ्तार करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। एक बड़ा प्रश्न ये भी सामने आ रहा है कि आखिर पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने गई तो क्या पुलिस निहत्ते गई थी, पुलिस के पास कोई हथियार थे अथवा नहीं थे। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न, जितने मुंह उतनी बातें लोगों के सामने चल रही हैं। जो भी लोग जैसा भी बता रहे हैं, हमने आपको बताया कि सिवनी में मंडला नैनपुर से आकर लोगों के द्वारा जुआ जो खिलाते हैं वे बहुत ज़्यादा तादाद में सिवनी में आने लगे हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हैं, और जंगलों में जुए की फड़ जमने लगी है। देर शाम केवलारी के करीब देखिए बैनगंगा का रेलवे पुल भी आपको दिख रहा होगा। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ शहीद हुए राकेश ठाकुर का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं केवलारी तहसील मुख्यालय केवलारी के करीब मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उनका गाँव है, और उनके द्वारा पुलिस के द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया। भारी तादाद में लोग यहाँ मौजूद आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम था, वैसे पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो बताया गया घटनाक्रम, और बहुत सारी चीजें लोगों का कहना है कुछ समय के बाद भी निकलकर सामने आ सकती हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को देर रात तक सिवनी में अपना डेरा डाले हुए हैं। 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 3 आरोपियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। इस तरह देखा जाए तो 2 हथियार उनके पास थे। 1 हथियार से उसके द्वारा आरोपी सद्दाम के द्वारा, जो गोहद भिंड का निवासी है, उसके द्वारा फायर किया गया, और दूसरा जो उसके अलावा दूसरा हथियार इनके पास मिला, अर्थात 2 हथियार थे। वो पुलिस हथियार के साथ गई थी या नहीं गई थी, ये शोध या जांच का विषय माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको एक बार फिर बता दें, ये आरोपी जो सामने दिखाई दे रहा है, ये आरोपी का एक फुटेज कहीं से निकाला गया है, और CCTV का ये फोटो या फुटेज है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी बहुत ही सख्ते में हैं, बहुत ये कहा जाए कि वे सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
आरोपी का ये आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है। लोगों का कहना है कि आरोपी दिन भर सिवनी शहर के में मंडराते रहे। सूत्रों का कहना है कि पहले उनकी लोकेशन गोंदिया में मिली, उसके बाद चंदवाड़ा बाईपास में उनकी लोकेशन मिली। इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, सब कुछ जांच के उपरांत ही सामने आएगा। ये देखिए यहाँ पर मोबाइल पर भी बात कराई जा रही है, दिखाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों का कहना था कि उन्होंने एक अच्छा और सच्चा साथी खो दिया है। बहुत ही व्यवहार कुशल थे और कर्तव्य परायण थे राकेश ठाकुर। पुलिस विभाग शायद ही उन्हें कभी भूल पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।